सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले लिस्ट जारी हो चुकी है। बता दें आपको, बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। बता दें इसमें 5 महिला कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ेंगे सांसद विजय बघेल। रामानुजगंज से रामविचार नेताम होंगे उम्मीदवार। तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बढ़ा ली है। ये 21 ऐसी सीटें हैं जिनमें भाजपा लगातार दोबारा हारी है या फिर कभी जीती नहीं है। पाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीट है, जहां उनके भतीजे विजय बघेल ने 2008 में हराया था। अब विजय बघेल को टिकट मिलने से यहां मुकाबला दिलचस्प होगा। रामानुजगंज से पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। यहां कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह हैं, जो विवादों में भी रहे हैं। इन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। खरसिया विधानसभा से महेश साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से आज तक कांग्रेस अजय रही है। वर्तमान में यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल काबिज हैं। इन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को हराया था। अबनपुर से इंद्र कुमार साहू नए प्रत्याशी हैं। इससे पहले भाजपा पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू को कई बार टिकट दिया है। ये सीट एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस के खाते में जाती रही है। कोरबा से लखनलाल देवांगन को भाजपा ने टिकट दिया है। मेयर कोरबा रह चुके हैं। इससे पहले भाजपा ने एक बार इन्हें टिकट दिया था। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस के जयसिंह अग्रवाल विधायक हैं, जो प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। लुंड्रा से प्रबोध मिंज को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बता दें ये अंबिकापुर के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। लुंड्रा के प्रीतम राम कांग्रेस के विधायक थे। तो उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हो चुकी है, आखिर इस बारे में क्या ज्यादा जानकारी है, इसके लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे, खास चर्चा करेंगे और जानकारी भी लेंगे। अभिषेक, उम्मीद से पहले लिस्ट जारी की गई, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और पहले लिस्ट जारी कर दी गई है, आखिर किस तरह से आप इस लिस्ट को देखते हैं? देखिए, लिस्ट बड़ी सरप्राइजिंग तरीके से जारी हुई है, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आमतौर पे ये जो बैठक होती है डेट डिक्लेयर होने के बाद होती है, लेकिन कल पहले ही बैठक कर ली गई और हमने पहले ही न्यूज़ 18 ने बता दिया था कि 27 सीटों पर मंथन हुआ है, वो सीट जिस पर बीजेपी कभी जीती नहीं या दो बार लगातार हारी है। तो उसके बाद ही आज उसी पर मुहर लगाते हुए ये लिस्ट जारी कर दी गई है, और लिस्ट जो देखा जा रहा है वो बीजेपी का एक तरीके से यहाँ कॉन्फिडेंस यहाँ पर कहा जाए दिखा रहा है तो गलत नहीं होगा। हालांकि एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे बीजेपी ने, जिसमें फिलहाल बढ़त हासिल की है ये कहा जा सकता है। 21 लोगों की जो लिस्ट है वो बता रही है कि बीजेपी ने किस तरीके से सर्वे के आधार पर ये लिस्ट यहाँ पर जारी की है। सबसे अहम जो नाम है यहाँ पर पाटन में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की सीट है। मुख्यमंत्री वहाँ से लगातार दो बार से जीत रहे हैं, उससे पहले भी जीते रहे हैं, लेकिन साल 2008 में विजय बघेल जो मौजूदा दुर्ग सांसद हैं उन्होंने वहां पर उनको हराया था, और इस बार फिर से बीजेपी ने वहां पर पाटन सीट से विजय बघेल को टिकट देकर एक तरीके से मजबूत कैंडिडेट को उतारने की बात वहां पर कही है। तो ये अपने आप में एक जरूर चर्चा का विषय है। उसके अलावा रामानुजगंज रामविचार नेताम यहाँ से हैं, बृहस्पति सिंह कद्दावर विधायक हैं कांग्रेस के, और चर्चा में भी हालांकि रहे हैं कई बार किसी बैंक कर्मी को धमकाते हुए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनका जो विवाद रहा है धमकी वाला, उसको लेकर वो काफी चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ पर रामविचार नेताम है, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, आदिवासी चेहरा है, बड़ा नाम ये भी है। खरसिया जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, उमेश पटेल और पटेल परिवार, इससे पहले उनके पिता नंद कुमार पटेल थे जो कि झीरम में जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो यहाँ से थे। पिछली बार बहुत चर्चित रहे पूर्व आईएएस ओपी चौधरी वहां से लड़े थे, इस बार वहां पर एक साहू कैंडिडेट को उतारकर बीजेपी ने काम करने का समय दिया है। अभनपुर से बिल्कुल नया प्रत्याशी इस बार उतारा गया है, पिछले दो बार से बीजेपी हार रही थी, चंद्रशेखर साहू पूर्व कृषि मंत्री थे वो वहां से लड़ते थे। कोरबा से लखनलाल देवांगन पहले भी भाजपा के टिकट पा चुके हैं। लुंड्रा से प्रबोध मिंज, सरगुजा की सीट है,
अंबिकापुर के मेयर रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से दो बार के, उनको यहाँ से लुंड्रा से उतारा गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ये ऐसा समीकरण है जिसको बीजेपी ने बहुत सर्वे के बाद कई लोगों से बातचीत और कई प्रकार के सर्वे करके निश्चित तौर पर यहाँ पर उतारा होगा। तो ये जो लिस्ट जैसे है ये चर्चा का विषय है, और खुद भाजपा के कुछ चुनिंदा लोगों को इस बात की जानकारी थी कि हाँ ये लिस्ट आ जाएगी, वरना ज्यादातर नेता सरप्राइजिंग है। ये तो पहली लिस्ट है जो जारी हुई है, 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जगहों की लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर इसके बाद सवाल ये उठता है कि जो आने वाली लिस्ट है आखिर उसे भी क्या इसी आधार पर रखा जाएगा? जिस तरह से हम देखें 21 में से 5 महिलाओं को जगह दी गई है, उन 5 महिलाओं में से 2 एसटी वाली हैं, तो आखिर क्या इसी आधार पर आगे की भी लिस्ट हमें देखने को मिलेगी या कुछ हटके होगी? बिल्कुल, देखिए एक फॉर्मेट मोटा मोटा समझ में आ रहा है। ये पहले कहा जा रहा था सारे नए चेहरे होंगे और ये चर्चाएं बार बार चल रही थी, लेकिन इस लिस्ट ने साफ कर दिया कि जीतने वाले कैंडिडेट को बीजेपी यहाँ पर मौका देगी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। जैसे शकुंतला सिंह पोर्ते जो प्रतापपुर से दिया गया है, जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की बीजेपी के, तो ऐसे इस लेवल के लोगों को भी वहाँ पर प्रमोट किया गया, टिकट दिया गया है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ रही बीजेपी ने नए चेहरों को उतारा है, महिला चेहरों को उतारा है, कुछ जगहों पर रामविचार नेताम, लखनलाल देवांगन जैसे पुराने चेहरों को भी रिपीट किया है। तो कुल मिला के ये तय है कि जीतने वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा, और ये जीतने वाला कैंडिडेट सिर्फ उसी विधानसभा का ना हो बल्कि उसकी किसी प्रकार की और ख़राब छवि ना हो प्रदेश भर में, इस बात का भी इस लिस्ट को देखते हुए खास जो फॉर्मेट समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा यही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो भी जीतता कैंडिडेट नजर आ रहा होगा, हम ये माने कि पूरी रणनीति के साथ इस बार बीजेपी मैदान में उतर रही है और जो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे उन्हें ही टिकट मिलेगा, इस पर ही फोकस बीजेपी का है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बार 2023 के संग्राम में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर एक बड़ा संकेत दे दिया है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है। इसे कुछ खास सीटों के आधार पर समझना चाहेंगे। भाजपा के अध्यक्ष अरुण साहू मेरे साथ हैं। सर, आपने एक कदम आगे कांग्रेस से लिस्ट जारी कर दी, अभी चुनाव ऐलान नहीं हुआ लेकिन आपने 21 उम्मीदवार घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और जैसा राज्य की जनता चाहती है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, और ऐसा छत्तीसगढ़ जहां पर माताएं बहनें सुरक्षित हों, बेटियां हमारी सुरक्षित हों, जहां पर नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए योजना हो, जहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत हो, जहां पर आधार संरचना का त्वरित गति से विकास हो, ऐसा छत्तीसगढ़ का निर्माण हम करना चाहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में है। और आज केंद्र ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, निश्चित रूप से इसमें महिलाएं भी है, युवा भी है, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी हमने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से इन प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो अरुण साहू साहब दावा कर रहे हैं कि 21 प्रत्याशी जीतेंगे और नए छत्तीसगढ़ की नींव रखेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज। आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी। तो सीटों का ऐलान हुआ है और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सांसद विजय बघेल को पाटन से उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवारी मिलने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता के प्रेम के बदौलत आज ये मुझे सौभाग्य मिला है
किस कड़े मुकाबले में, संघर्षमय मुकाबले में आज पाटन क्षेत्र जो मेरी कर्मभूमि रही है वहां से फिर से एक बार मुझे विधानसभा चुनाव के लिए दायित्व पार्टी ने दी है। और एक तो ऐसा सौभाग्य है कि मैं बिलासपुर के संभाग के दौरे में था, अपने घोषणा पत्र समिति के दायित्व को निभाने कमल छाप सौंपा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को, हम सब अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत और पाटन क्षेत्र की जनता के बदौलत उनको पटकनी देंगे और उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम वहां से विजय से हासिल करेंगे। जो घोषणा हुए हैं अभी 21 विधानसभा क्षेत्र का, जो हम लगातार उन क्षेत्रों में पिछड़ रहे थे, ये जो अभी रिजल्ट जो भी रहा पहले, लेकिन आने वाले समय में हम उसे कैसे अच्छा कर सकें, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हर स्तर से उसका सर्वे कराया। कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं इन 5 वर्षों में दिखी है और लगातार वहां डुंडरा विधानसभा में 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जनता को छलने का काम किए हैं, और इनके जो वादे हुए थे जिसके चलते सरकार बनाए थे उससे सारे लोग असंतुष्ट हैं, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, तो जनता मन बना के रखी है उसको निश्चित रूप से इस बार हम लोग हरा। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 1.5 महीना पहले टिकट घोषणा कर दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टेस्ट तो नहीं कर रहा है, पहले मैदान में उतार के देखो, ये गड़बड़े तो फिर वापस ले लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जगदलपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। शिविर में शामिल होने के बाद सीएम ने कहा कि सभी विधानसभा में कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, हर विधायक को चुनाव जिताने का टिप्स दिया गया है। शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है, और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की उसी से समय भी होगी, शायद कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कोंडागांव से बड़ी खबर है, नाराज छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। संबलपुर हायर सेकेंडरी के बच्चों ने मोर्चा खोला है। बता दें आपको, प्रिंसिपल और पीटीआई के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। छात्रों के प्रिंसिपल पीटीआई को हटाने की मांग की गई। समय से स्कूल नहीं आते हैं प्रिंसिपल और पीटीआई, पुराने प्रिंसिपल को बुलाने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। और राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश हुई है। तेज बारिश से गर्मी और उमस से राहत भी महसूस हुई है। बता दें आपको, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में फिर तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेज बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत भी महसूस हुई है। बता दें मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली ने 2 किसानों की जान ले ली। बता दें आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। भरत तिवारी और गौरीशंकर केवट की जान चली गई। खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के खुड़ू भाटा गांव में यह हादसा हुआ है। तो बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हुई है। बता दें आपको, 2 किसान बिजली की चपेट में आए। आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।